हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल एक बार फिर आप सभी के साथ और कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। हरिकेन में डूब गए 3 शेयर, कौन से ये शेयर्स हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। निवेशक ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहावत सुनाऊंगा कि एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और ये कहावत इस ग्रुप के जो ओनर है उस पर बिल्कुल फिट बैठती है। जी हाँ दोस्तों, ये हम रिलायंस ग्रुप की कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर अनिल धीरूभाई अंबानी और दूसरी तरफ मुकेश धीरूभाई अंबानी, दो बेटे धीरूभाई अंबानी के, जिन्होंने एक अंपायर खड़ा किया, लेकिन दोनों ही बेटों को शायद लगा कि वो खुद इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं और दोनों ही ने अपने बिजनेसेस को अलग कर लिया। और हुआ कुछ यूं कि मुकेश अंबानी ने तो उस बिजनेस में 4 चांद लगा दिए और अपनी मेहनत और प्रयास से कुछ बड़ा करके ले गए और एक नया, एक कहते हैं डिजिटल क्रांति ले आए जियो के थ्रू। वहीं दूसरी तरफ जो अनिल धीरूभाई अंबानी है, शायद वो उस पूरे बिजनेस को अकेले संभाल नहीं पाए या उनके अंदर वो शायद कैपेबिलिटी नहीं रही होंगी कि उस बिजनेस को आगे 4 चांद लगा सके। और यही हुआ कि एडीएजी ग्रुप की ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स धराशायी हो गए और हरिकेन में डूब गए। ये 3 शेयर्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये तीनों शेयर्स है रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा और आरकॉम। आज से 10 साल पहले जिस किसी ने भी इन 3 शेयर्स में ये सोच के निवेश किया होगा कि उनका पैसा दिन दूनी और रात चौगनी गति से बढ़ेगा, उन सभी को पता चल जाएगा और उन लोगों के भी गलतफहमी दूर हो जाएगी जो ये सोचते हैं कि लार्ज कैप के अंदर निवेश कीजिए तो आपका पैसा सुरक्षित है और कहीं नहीं गया। तो सर, ये मार्केट ऐसा है जहाँ पर आप जब तक खुद एक्टिव नहीं हैं, जब तक आप खुद अलर्ट नहीं है, चाहे आप लार्ज कैप में निवेश करें या स्मॉल कैप में निवेश करें या मिड कैप में निवेश करें, आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। और अगर आप खुद एक्टिव हैं, आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, आपको मार्केट की समझ है, तो आप चाहे माइक्रो कैप में निवेश करें या स्मॉल कैप में निवेश करें या लार्ज कैप में निवेश करें, आपका पैसा दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ता है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं तीनों ही काउंटर्स के बारे में। क्या इनमें अभी उम्मीद है कि बने रह सकते हैं या अब हमें यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए और जो भी राशि हमारी बचती है उसको बचा लेना चाहिए। सो आरकॉम एसेट सेल जियो कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रही है और ऑलरेडी मुकेश धीरूभाई अंबानी इसके प्रोसेस में शुरू हो चुके हैं। अनिल धीरूभाई अंबानी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि आरकॉम जो है वो टेलीकॉम सेक्टर से बाहर आ जाएगा और रियलिटी सेक्टर में कुछ हाथ आजमाएगा, बट कितनी उम्मीद है कोई नहीं जानता। हम सभी यहाँ पर देखेंगे मंथली चार्ट पे, आरकॉम का प्राइस 31 जुलाई 2006 के महीने में 246 रुपये का था, वहीं पे 2007 नवंबर तक यानी कि लगभग 1 से 1.25 साल में ये प्राइस बढ़ के 814 रुपये का हाई टच किया, बल्कि इसके अलावा लगभग 844-850 रुपये के आसपास का हाई टच किया तकरीबन जनवरी मंथ में। और याद रखिएगा, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा और आरकॉम तीनों ही काउंटर्स ने 31 जनवरी 2008 के बाद से कंटिन्यूसली गिरावट दिखाई है और उसी महीने में तीनों ही कंपनी ने अपने हाई टच किए थे। तो 31 जनवरी यानी कि जनवरी 2008 के मंथ में उन्होंने अपना हाई टच किया 844 का और लोगों ने काउंटर में ये सोच के निवेश किया जनवरी मंथ में कि ये काउंटर एक अच्छा परफॉर्म करेगा और आगे जब टेलीकॉम क्रांति आएगी तो हमारी वेल्थ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि एक बड़े ग्रुप की कंपनी थी, एक नामी ग्रुप था रिलायंस, हर कोई जानता था, बड़ा ग्रुप है और बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया और वहाँ से ये स्टॉक गिरता आज की तारीख में आरकॉम का स्टॉक केवल 10 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि लगभग 99% राशि खत्म हो चुकी है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी पोजीशन को यहाँ से अभी भी एग्जिट कर सकते हैं, एटलीस्ट 10 रुपये की सेविंग तो आपकी हो ही जाएगी। सो आरकॉम टोटली एग्जिट, रिलायंस कैपिटल फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट काउंटर है ये, और ये काउंटर भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इस काउंटर में भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा जनवरी में, तो जनवरी से पहले ये काउंटर तकरीबन नवंबर 2006 में, जबकि आरकॉम की बात करी थी हमने, नवंबर 2006 में ये काउंटर भी लगभग 580 या 600 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहा था और उसके बाद जनवरी 2008 के महीने में इस काउंटर ने अपना हाई 2924.30 रुपये टच किया। इस काउंटर में भी लोगों ने ये सोच के निवेश किया होगा 2008 के जनवरी में कि भाई ये काउंटर भी हमें नियर फ्यूचर में अच्छा मुनाफा कमाएगा या अगले 10 सालों में अच्छा मुनाफा कमा के देगा और हमारे बच्चों की ज़िंदगी सुखद हो जाएगी। लेकिन कुछ उल्टा ही हुआ और इस काउंटर में भी जिन लोगों ने निवेश किया था आज से 10 साल पहले उनकी ऑलमोस्ट 90% राशि डूब चुकी है और 2900 रुपये का शेयर अब केवल 224 रुपये का रह गया, यानी कि लगभग 90% की राशि खत्म हो चुकी है, डूब चुकी है। और फिलहाल इस काउंटर में कुछ और रिवर्सल की फिलहाल उम्मीद नहीं लगती, मुझे ये काउंटर 200 रुपये से भी नीचे जाता हुआ
दिखाई देता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस काउंटर से निकल जाइएगा। इसके अलावा आर इंफ्रा, रिलायंस इंफ्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर रिलायंस इंफ्रा का काउंटर भी मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ। इस काउंटर ने भी आप देखेंगे कि नवंबर मार्च 2007 में केवल 500 रुपये का जो हाई था इसने टच किया था, और मार्च 2007 के बाद इसने जनवरी 2008 केवल 8 से 9 महीने में ही 500 रुपये से 2641 रुपये की जर्नी दी, और वहाँ पर भी लोगों ने एक हायर लेवल पे बाइंग किया। ये तो उसके एक अच्छे ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, एक अच्छा मुनाफा कमाएंगे और अपनी ज़िंदगी सुखद हो जाएगी, लेकिन कुछ उल्टा ही हुआ और ये काउंटर भी 2600 रुपये हाई टच करने के बाद लगातार गिरता चला जा रहा है। और 2008 के बाद से अब 2018 यानी 10 सालों में ये काउंटर 2600 रुपये से गिर के 331 रुपये पर आ चुका है। इस काउंटर में भी कुछ खासा उम्मीद नहीं नज़र आती है, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है, और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आगे आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो अगर ये अपकमिंग क्वार्टर्स में इस काउंटर ने कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए, कुछ क्वार्टर में नंबर्स अच्छे पोस्ट किए, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें कुछ रिवर्सल आएगा। बट बहुत मुश्किल है, 2600 रुपये दोबारा पहुँचना इतना आसान नहीं होगा। सो उम्मीद यही है दोस्तों कि ये काउंटर भी कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो मेरा यही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों का बहुत मेहनत का पैसा लगा है तो कोशिश कीजिए, अगर आपको कहीं तेज़ी मिलती है तो आप लोग डेफिनेटली एग्जिट कर जाइए। अदरवाइज़ अगर करंट प्राइस पर भी अगर निकलने की कोशिश करेंगे तो शायद अपकमिंग डेज में जो भारी गिरावट और देखने को मिल सकती है अगर सेप्टेम्बर क्वार्टर नंबर ख़राब आ गए तो उस वक्त आप शायद और बुरी तरह से फंस जाएंगे और ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने बात की ऐसे 3 शेयर्स के बारे में जो हरिकेन में डूब चुके हैं। ADAG ग्रुप के ये तीनों ही काउंटर्स हैं और निवेशक इन तीनों ही काउंटर्स में निवेश करके पिछले 10 साल में बर्बाद हो चुके हैं, उनका सारा पैसा ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह के और वीडियोस हम आपके साथ फ्यूचर में पोस्ट करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिल सके और वो अपना जितना संभव हो सके पैसा निकाल सकें और सेविंग कर सकें। Thank you friends, thank you very much.